Hello students, welcome to Phi Sigma classes in collaboration with City Model College. हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर टू फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ्स को स्टडी किया और ग्राफ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे. आज उसी सीरीज में कुछ और न्यूमेरिकल्स ग्राफ के लगाएंगे. तो आइए आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन गिवन फिगर represents the displacement time sketch of motion of two cars A and B. दो कार्स हैं A और B, उनके motions को इस displacement time graph में show किया गया है. जो first question है वो ये है कि the distance by which the car B was initially ahead of car A. car B कितना आगे थी initially car A से. तो ये आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप पाएंगे एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जो कार ए का ग्राफ है वो ये बता रहा है कि टाइम जीरो पर कार की इनिशियल पोजीशन भी जीरो थी, इसीलिए ग्राफ आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है. जबकि जो कार बी है एट टाइम t जीरो पर कार का ग्राफ कट कर रहा है 40 पर. इसका मतलब कि टाइम जीरो पर जो कार बी थी वो ऑलरेडी 40 मीटर पर थी और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया वो 40 से आगे की ओर डिस्प्लेस होना शुरू हुई. तो जो फर्स्ट आंसर हो गया कि द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वाज इनिशियली एड ऑफ कार ए, तो वो हो जाएगा आपका 40 मीटर. 40 मीटर से आपकी कार बी जो है टाइम जीरो पर ऑलरेडी थी, यानी कार ए से 40 मीटर आपकी अहेड थी. तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मीटर. 40 मीटर कार बी वाज अहेड ऑफ कार ए, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. देन सेकंड कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी. कार ए और कार बी की वेलोसिटी बतानी. हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का जो स्लोप बताएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर का मतलब डिस्प्लेसमेंट, बेस का मतलब टाइम. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है. तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताता है. यदि हमें कार ए का वेलोसिटी निकालनी है तो कार ए के ग्राफ का स्लोप निकाल लें, कार बी की वेलोसिटी निकालनी है तो कार बी के ग्राफ का स्लोप निकाल लें. और स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को लेकर एक ट्रायंगल जनरेट करते हैं और उस ट्रायंगल से हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू को निकालते हैं, वही स्लोप हो जाएगा. यदि हम यहां पर कार ए और कार बी को देखें तो आप पाएंगे कि जो कार ए है, ये सपोज कार ए का ग्राफ जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहें तो इसकी लाइन को लेकर हम एक ट्राइंगल जनरेट करें. तो ये देखिए ट्राइंगल जनरेट हो रहा है इस तरह से, ये पूरा एक ट्राइंगल हो जाएगा आपकी लाइन को लेकर. तो कार ए का जो ग्राफ है ये वाला, इसको लेकर एक पूरा ट्राइंगल ये बन रहा है. ठीक है, आप चाहें तो इसको एक नाम दे दें ओ ए और यहां पर कह दें सी. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ कार ए, तो स्लोप कितना हो जाएगा यहां पर, स्लोप ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, तो वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है, परपेंडिकुलर है आपका ये ए सी. ठीक है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू है. यदि इस पॉइंट को ए कहें, इस पॉइंट को बी कहें, तो कार ए के इस पॉइंट को हमने ए कह दिया और कार बी के इस पॉइंट को हमने बी कह दिया. तो यदि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ ए और सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो स्लोप का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है,
परपेंडिकुलर इक्वल है 160 के। तो इस तरह से परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया हमने 160 मीटर अपॉन बेस। अब बेस की बात करेंगे तो हमारा जो ट्राइंगल है ओ ए और सी, उसका जो बेस है वो 0 से 4 तक है, यानी 4 सेकेंड का आपका बेस है। तो यहाँ पर 4 सेकेंड हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 16, तो 40 मीटर पर सेकेंड स्लोप आया, और यही क्या हो जाएगी आपकी, यही आपकी वेलोसिटी ऑफ कार ए हो जाएगा, क्योंकि कार ए का स्लोप है इसलिए वेलोसिटी भी कार ए की है। इसी तरह से हम कार बी की बात कर लेते हैं। तो कार बी का जो ग्राफ है, कार बी का ग्राफ ये है। अब इस कार बी के ग्राफ को लेके एक ट्राइंगल बनाएंगे तो हम देखेंगे एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। इसको देखें इस प्रकार से, तो कार बी का लेके भी हम ग्राफ बनाना चाहें तो उसका ट्राइंगल लें तो ये इस तरह से आपका ट्राइंगल आएगा। ये आपका बेस हो गया और ये आपका यहां तक परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कार बी का जो ग्राफ है, उस ग्राफ बी को लेकर हम एक ट्रायंगल बनाएं तो ये ट्रायंगल बनेगा, यानी इस कार बी का स्लोप हो जाएगा कार बी का परपेंडिकुलर जो इतना है, और इस कार बी के परपेंडिकुलर के ग्राफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ कार बी, इसका मतलब किसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, अब यहां पर कोई पॉइंट दे दें, इसको तो ओ कह दें या जीरो कह दिया तो ओ कह दिया, तो ओ ए सी, इसको भी आप कोई नाम दे दें, पी सपोज कह दें इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने कह दिया पी, इस पॉइंट को। तो आपका जो ट्राइंगल बना पी या बी, और इसको भी कोई नाम दे दें, सपोज क्यू कह दें, तो आपका ट्राइंगल बन गया पी बी क्यू। तो इस ट्राइंगल में इस पी बी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पता करनी, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी 40 से 120 तक। तो डिफरेंस कितना हो गया, ये 120 है ये 40 है, तो बीच की लेंथ कितनी हो गई, 120 माइनस 40 यानी 80। तो ये जो आपकी लेंथ हो गई बी क्यू की, ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 80। ये लेंथ आपकी हो गई 80 मीटर। तो इस तरह से ये तो हो गया 80 मीटर परपेंडिकुलर। और इस लाइन के स्लोप के लिए जो हम ट्राइंगल का बेस देखेंगे वो बेस कितना है, बेस तो 0 से लेकर 4 तक है, यानी 4 सेकेंड है। तो 80 मीटर अपॉन बेस की वैल्यू हो गई 4 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो इस तरह से ग्राफ में आपने ग्राफ के स्लोप निकाल करके आपने उनकी वेलोसिटीज को निकाल लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखें तो थर्ड पॉइंट है द टाइम इन विच द कार ए कैचेस द कार बी। अब आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, किस समय पर, 2 सेकेंड पर। तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 सेकेंड पर कार ए भी इसी जगह पर थी, क्योंकि कार ए का जो ग्राफ है उसका पॉइंट भी 2 सेकेंड पर यहीं पर है, और कार बी का भी कोई पॉइंट जो है वो भी कार बी का इसी जगह पर है 2 सेकेंड पर। यानी ये वो जगह है जहां पर दोनों ही कारें एक समय एक ही साथ थी, यानी 2 सेकेंड पर। तो कैच करने का मतलब यही होता है कि दो लोग एक साथ एक ही जगह पर आए, इसका मतलब वो उनको कैच कर रहे हैं। तो कार ए और कार बी एक साथ एक ही टाइम पर एक जगह पर कब है,
2 सेकंड पर है और कहां पर है, 80 मीटर पर है। तो किसका मतलब किस समय वो कैच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो 2 सेकंड में वो एक दूसरे को कैच कर रहे हैं। तो द टाइम इन विच द कार ए कैचेज द कार बी इज एट 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पर आपके जो ग्राफ है वो एक दूसरे को कट कर रहा है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, किस टाइम पर, 2 सेकंड पर। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी, यानी स्टार्टिंग से वो डिस्टेंस बताइए जब कार ए कार बी को कैच कर लेती है। तो कार ए बी को कब कैच कर रही है या बी ए को कब कैच कर रही है, इस पॉइंट पर। टाइम तो 2 सेकंड हो गया और वो पोजीशन क्या है, 80 मीटर है। तो कार ए स्टार्टिंग से कहां चल रही थी, 0 पे, और कब उसने इसको कैच किया है, जब उसकी डिस्टेंस 80 मीटर हो गई है। यानी कार ए ने कार बी को कैच किया है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 80 मीटर पर। इसलिए आपका आंसर हो गया एट 80 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इस तरह से आपके फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। सपोज इस क्वेश्चन में पूछा जाता द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार बी इज एट द पॉइंट वेयर द कार ए इज, तो कार बी को कितना चलना पड़ा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां पर कार ए बी को कैच कर ले रही है, 40 पे ऑलरेडी था और 80 पर कैच कर लिया गया, तो कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा कार बी को, 80 - 40 यानी 40 मीटर। यदि यहाँ पर आपकी कार बी की डिस्टेंस पूछी जाती तो आप कहते कि 40 मीटर चलने के बाद कार बी को कार ए ने कैच कर लिया। तो फिलहाल ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ए बॉडी इज एट रेस्ट इज मेड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, किसी टावर पर कोई बॉडी है और वहां से उसको छोड़ा जा रहा है जिससे वो नीचे गिरेगी। जब नीचे गिरेगी तो वो ड्यू टू अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिरेगी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से गिरेगी। तो कह रहा इस डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, अलग अलग टाइम पर उसकी पोजिशन क्या थी वो यहां पर बताई हुई है, और ये पोजीशन दी हुई है टॉप पॉइंट से, ऊपर से छोड़ी जा रही है तो ऊपर से कितनी पोजीशन पे थी वो यहां पर बता दिया गया। कराई ड्राई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ले ली म्यूचुअली। एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम टाइम एक्सिस कहेंगे, इस पर हम टाइम को कंसीडर करते हैं, और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है इस पर हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइम की, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट की। टाइम कितना वेरी कर रहा है, 0.1 से 0.6 सेकंड तक वेरी कर रहा है। तो हमने अपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपके 6 सेकंड तक, ये 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, फिर ये 0.2, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 0.3, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 0.4, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 0.5, और फिर अप्रोक्सीमेट उतने ही डिस्टेंस पे 0.6। तो इक्वल डिस्टेंस पे 0.11 सेकंड का आपने डिफरेंस कर लिया और अपने टाइम की वैल्यूज को पुट कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट है आपका 0.05, 0.20, 0.45, 0.80, 1.25, 1.80। अब यहां पर भी हमको इक्वल डिस्टेंस पे ही इनको ड्रा करना होगा। यदि आप ग्राफ पेपर लेंगे और वहां पर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो बहुत आसानी से ये ड्रा हो जाएगा। यदि इस तरह से ड्रा करेंगे तो हमको यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस बनाना है और 0.5 से लेकर 1.80 तक बनाना है तो वो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसको यदि हम बनाना चाहें यहाँ पर, तो आपकी जो वैल्यूज हैं एक तरह से यदि 100 का मल्टीप्लाई करें इसमें, तो 5 से लेकर 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा। तो 5 से लेकर 180 तक एक तरह से इनकी वैल्यू आपकी चेंज हो रही, और 5 है फिर डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर 25 का डिफरेंस है,
फिर यहाँ पर आपका 35 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर और डिफरेंस है आपका। तो इस तरह से इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का नेचर आपका कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसा ग्राफ कुछ आएगा, क्योंकि ये जो वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ वो लीनियर नहीं है, आपका वेरी कर रहा है, और ये डिस्टेंस होगी 1.80। इस ग्राफ को बनाने का सही तरीका ये होगा कि आप 0.05 को 5 कंसीडर करें और 1.80 को 180 कंसीडर करें, और फिर आप यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस को लेते हुए 5-5 के इंटर पर आपके इंटरवल पर आप डिस्टेंस को यहाँ पर मेजर करेंगे इक्वल पे 5-10 फिर 15 फिर आपका हो जाएगा 20 फिर इक्वल पर हो जाएगा आपका 25 फिर यहाँ पर 30 होगा फिर आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा और इस तरह से फिर 40 होगा। ये डेसिमल में आप फिर काउंट कर लेंगे 0.5, 0.10 सॉरी ये हो जाएगा आपका 0.05 और ये 0.10 फिर ये आपका 0.15 ये 0.20 ये 0.25 0.30 0.35 0.40 फिर यहाँ पर आपने इसको 45 ले लेंगे 5-5 का डिफरेंस आप लेकर कर रहे हैं फिर ये 50 हो जाएगा फिर ऐसे ही यहाँ पर आपका 55 होगा फिर यहाँ पर आपका 60 होगा फिर आपका 65 हो जाएगा फिर यहाँ पर 70 होगा देन उसी डिस्टेंस पर आपका 75 देन उसी डिस्टेंस पर आपका 80 सपोज 80 तक ही हम लोग ले लेते हैं क्योंकि और 5-5 जोड़ेंगे तो ग्राफ ऊपर निकल जाएगा। आपके पास जो चार्ट पेपर होता है उस पर आप 5-5 के हर एक जो आपका स्क्वायर होगा उसको 5-5 का डिफरेंस लेके करेंगे तो 180 तक यानी 1.80 तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज ये वैल्यू है और हम इतने ही तक ग्राफ बनाना चाहें 0.80 तक यदि ग्राफ बनाएं तो आप पाएंगे इस ग्राफ को हमने रब कर दिया जो पहले बनाया था, अब हमने जो पॉइंट्स रख लिए हैं इनको लेकर ग्राफ बनाए तो 0.1 पर 0.05 तो 0.1 सेकेंड पर तो 0.05 वैल्यू हो गई, फिर 0.2 पर वैल्यू कितनी 0.20 0.2 सेकेंड पर 0.20 वैल्यू 0.2 सेकेंड पर 0.20 वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर आएगी, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ये 0.2 पर 0.20 आ गई, 0.3 पे 0.45 आई है तो 4-5 यहाँ कहीं है, ये आपका 0.45 आ गया और 0.4 पे 0.80 है तो ये कहीं आपका 0.4 है और यहाँ पर ग्राफ आ गया आपका ये 0.480। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बना और जब आप इसको ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, एक कर्व नेचर का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये कर्व नेचर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, एक कर्व नेचर का ग्राफ बनेगा। तो ये आपका ड्राई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। अब स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो यहाँ का स्लोप ये है, यहाँ का स्लोप देखिए ये है और यहाँ का स्लोप आपका इस तरह से है, तो स्लोप कंटिन्यूस इंक्रीज करता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और ये जो मोशन है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही। तो आप लिख देंगे सिंस स्लोप इज इंक्रीजिंग सो द वेलोसिटी इज हेंस इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया बिकॉज ऑफ स्लोप इज चेंजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी, यूज इट
टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड एंड देन ड्रा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इट। तो आपका जो गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चन में ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम का। इस ग्राफ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है वो निकालनी है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे डिफरेंट टाइम पर तो उसका एक ग्राफ ड्रा करना है। तो हम सभी को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्या एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिलो का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब हम यहां पर जो जो टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है उस टाइम तक का एरिया हम निकालेंगे। जैसे पहले जो हमको निकालना है वो 1 सेकेंड का निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड का मतलब हो गया कि जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का पॉइंट कहां पर है, इस जगह पर है, तो 1 सेकेंड के पॉइंट को लोकेट किया, ये हुआ, यानी ग्राफ आपका यहां से लेकर यहां तक का हो गया 1 सेकेंड का। इस जगह से लेकर यहां तक का ग्राफ 1 सेकेंड हो गया, और इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा 1 सेकेंड तक का वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो एरिया ये कितना हो जाएगा, देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे इज इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ टिल 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपका नीचे बेस कितना हो गया 1 सेकेंड, और हाइट कितनी हो गई 1 मीटर। तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा 1 सेकेंड बेस और 1 मीटर हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 और 1/2 0.5, तो 0.5 ये आपकी जो जो आपकी हाइट है वो क्या है, वो वेलोसिटी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया मीटर, 1 × 1 मीटर / 2 यानी 0.5 मीटर। तो एट 1 सेकेंड आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एट 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 0.5 मीटर। ऐसे ही हम निकालेंगे 2 सेकेंड तक, तो स्टार्टिंग से लेकर 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 सेकेंड पे पॉइंट यहां पर होगा, तो अब 2 सेकेंड के पॉइंट को हमने यहां पर लोकेट कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो अब 2 सेकेंड तक का जो ग्राफ है, 0 से 2 सेकेंड तक का ग्राफ जो है, यानी ये पूरी लाइन यहां तक है, इसके नीचे का जो पूरा एरिया होगा वो 2 सेकेंड तक के डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो कितना ग्राफ बन रहा है, कहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ 0 से और जा रहा है आपका यहां तक। तो इसके नीचे का एरिया कितना हो जाएगा, इसके नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया आपका इस तरह से हो जाएगा आपके 0 से 2 सेकेंड के ग्राफ के नीचे का। अब ये भी ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां पर एट 2 सेकेंड की बात कर ले, तो एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1/2, एरिया का मतलब क्या होता है, 1/2, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है तो 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 2 मीटर/सेकेंड, और बेस कितना है 2 सेकेंड, तो 1/2 × 2 सेकेंड इंटू आपका 2 मीटर/सेकेंड। यहां पर भी सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, और 2 से आप इस 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा आपका आंसर एट 2 सेकेंड पर। इस तरह से 2 सेकेंड पर एरिया निकाल लिया, तो आपने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट। अब 3 सेकेंड पर, तो यहां से लेकर आप 3 सेकेंड तक की लाइन लेंगे और उसके नीचे का एरिया निकालेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, देखिए
थ्री सेकेंड पर आपका पॉइंट इस जगह पर कहीं होगा, यानी जो आपका ग्राफ होगा जीरो से लेकर आपका फोर सेकेंड थ्री सेकेंड तक, वो इस लाइन के नीचे का ग्राफ होगा, जो आपका ग्राफ यहाँ तक लाइन आपकी पहुंच रही है। तो जीरो से लेकर फोर ये लाइन पहुंची, और इस लाइन को लेके जो नीचे पूरा एरिया आएगा वो जीरो से थ्री सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो अब कितना एरिया हो रहा है, तो आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया बन रहा है उस जीरो से थ्री सेकेंड की जो लाइन जा रही है उसका, ये पूरा एरिया यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। अब ये भी एक ट्राइंगल है और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। तो जीरो से थ्री सेकेंड तक जो आपका ग्राफ है उसके नीचे का एरिया, तो अब हम लिखेंगे एट थ्री सेकेंड, तो थ्री सेकेंड तक क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया थ्री सेकेंड, बेस हो गया आपका थ्री सेकेंड, और हाइट हो गई आपकी, हाइट कितनी देखिए थ्री से ऊपर तक, ये हाइट आपकी थ्री मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पर अब हाइट हो गई आपकी थ्री मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, थ्री थ्री जन नाइन मीटर, नाइन मीटर अपॉन टू, तो 4.5 मीटर। इस तरह से आप एट थ्री सेकेंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 4.5 मीटर। लास्ट में आपका फोर सेकेंड है, तो फोर सेकेंड को देखेंगे तो पॉइंट यहां पर आ रहा है। तो फोर सेकेंड की बात करें तो ये पॉइंट चूज करेंगे फोर सेकेंड के लिए, क्योंकि तो ये आपका फोर सेकेंड है। तो यानी जो ग्राफ होगा वो आपका स्टार्टिंग से लेकर पूरा यहां तक का ग्राफ होगा, और इस पूरा जो एरिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एट फोर सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट बताएगा ओरिजिन से। यानी अब हमको पूरा एरिया निकालना है यहां से लेकर पूरे ग्राफ का, जीरो से लेकर फोर सेकेंड तक। तो इस तरह से वो भी एक ट्राइंगल बन रहा है, और उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, उस ट्राइंगल का एरिया होगा वन बाई टू बेस इंटू हाइट। इस तरह से अब पूरे ट्राइंगल का, क्योंकि ग्राफ आपका जीरो से लेकर यहां तक है, तो यहां तक ग्राफ है, तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो अब एट फोर सेकेंड की बात करेंगे तो फॉर्मूला वही एरिया का, वन बाई टू इंटू बेस, बेस कितना है देखिए, बेस आपका फोर सेकेंड है, हाइट कितनी है, हाइट भी आपकी फोर है, तो वैल्यू पुट करें तो बेस तो हो गया आपका फोर सेकेंड, और हाइट आपकी है फोर मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड फिर कैंसिल हो गया, फोर फोर जा सिक्सटीन बाई टू एट, तो अब आ गया आपका एट मीटर एट फोर सेकेंड। तो इस तरह से ग्राफ से अलग अलग टाइम पर स्टार्टिंग से कितना डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया निकाल के हमने कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या कहना है कि ड्रा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इट, यानी अब टाइम के अलग अलग वैल्यूज पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो गया, तो अब आप ग्राफ बना लीजिए। तो चार्ट यहां पर बना है और इसी पर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो एट जीरो सेकेंड पर तो वो जीरो पर था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ गया, क्योंकि वो स्टार्टिंग से रन कर रहा है तो जीरो सेकेंड पर तो पॉइंट यहीं पर हो गया। वन सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, वन सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट आया 0.5 मीटर। तो ये जीरो से टू है, इसका हाफ हो जाएगा वन, और उसका भी हाफ हो जाएगा 0.5। तो यहां पर हम लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो हो गया आपका वन, और यहां कहीं हो जाएगा आपका 0.5, 0.5, ठीक है, यहां कहीं पर ये वन हो गया और यहां कहीं पर हो जाएगा 0.5। तो वन सेकेंड पर आपकी वैल्यू कितनी है, वन सेकेंड पर वैल्यू है 0.5, ठीक है। अब ऐसे ही टाइम t इज इक्वल टू वन सेकेंड में कर दिया जैसे, उसी तरह से टाइम इज इक्वल टू टू सेकेंड पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका 2 मीटर। तो टाइम टू पर हम 2 मीटर पर जाकर करेंगे, तो टाइम टू सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो टाइम टू पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर हो गया। फिर आपका टाइम थ्री सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 4.5 मीटर है, तो ये आपका 4 है और यहां कहीं आपका 5 होगा, और इसका मिड जो होगा ये आपका 4.5 होगा, यानी 3 सेकेंड पे आपका 4.5 आपका हो जाएगा।
ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, तो 6 के बीच का 5 होगा, और 6 के बीच के जो 5 है उसका जो बीचों बीच होगा वो कहीं 4.5 होगा जो यहाँ पर है। तो आपका इस तरह से 4.5 हो गया, और 4 सेकेंड पे आपका 8 मीटर है, तो 4 सेकेंड पे सीधे 8 मीटर हो जाता है, यानी यहाँ पर हो जाता है। अब यदि इसको हम मिलाना चाहें, ड्रा करना चाहें, तो ग्राफ आपका इस तरीके से इनको इन सारी डॉट्स को मिलाते हुए बनेगा, और आप देख पा रहे हैं कि ये डॉट को मिलाते हुए जो बना रहे हैं, ये जो ग्राफ यहां बनेगा ये इस तरह से, और इसको भी वैसे मिला दें, तो इस प्रकार का ये एक कर्व ग्राफ बनता है आपका, और ये कर्व ग्राफ अपने आप में बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, जो आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि वेलोसिटी हर टाइम पर इंक्रीज करती जा रही है। जैसे कि यहाँ पर स्लोप देखिए, स्लोप कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है जैसा लास्ट केस में था। तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा बनाया वो कर्व नेचर का ग्राफ बनाया, जो आपने वैल्यूज ऑब्टेन करी थी डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग टाइम पर। तो ये आपका 8th क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। इस तरह से द फिगर गिवन बिलो शोज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। द ग्राफ हैज 3 पार्ट्स ए बी बी सी एंड सी डी। तो ग्राफ के 3 पार्ट्स हैं ए बी बी सी एंड सी डी। अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें निकालनी है वो देखना है। स्टेट हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पार्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। कैसे आप डिस्टेंस निकालेंगे इस ग्राफ के द्वारा, ये हमको बताना है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताता है। और जब तक कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में चलती है और डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तब तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही चीजों को बताते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिस्टेंस यदि निकालना चाहें तो ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाय गेटिंग ग्राफ बिलो द गेटिंग एरिया बिलो द ग्राफ बाय गेटिंग एरिया बिलो द ग्राफ तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट बीसी विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट एबी। बीसी बी से सी तक जा रहा है तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और ए से बी जा रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बीसी निकालिए, या पहले ए बी है तो पहले ए बी निकाल लें, कोई भी आप पहले निकाल लें। सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बीसी, यदि बीसी में कितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो आपको बीसी के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, और बीसी के नीचे का एरिया क्या है, ये इस तरह से रेक्टेंगल जो आपका है पूरा, इसका जो एरिया होगा यही आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल इन बीसी इज इक्वल टू एरिया बिलो बीसी, और वो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा है आपका, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विथ ये आपका एरिया होता है। तो लेंथ कितनी है, टी से टू टी, तो लेंथ कितनी हो गई, टी हो गई, यहां तक टू टी है, यहां तक टी है, तो बीच की लेंथ कितनी हो गई, टू टी माइनस टी यानी टी। तो यहां पर आपको लिख सकते हैं आप लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ हो गई आपकी टू टी माइनस टी मल्टीप्लाई विथ कितनी है, ये आपकी विथ है, तो ये कितनी है वी नॉट, जीरो से वी नॉट है, तो टोटल हो गई वी नॉट। इसको सिंप्लीफाई करें, टू टी में से टी माइनस गया, टी गया इंटू वी नॉट, तो ये आ गया आपका वी नॉट टी। तो ये क्या चीज आ गई, ये एरिया बिलो बीसी आ गया, और एरिया बिलो बीसी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। ठीक है, तो बिलो बीसी के नीचे का एरिया आपका आया वी टी, तो यही आपकी डिस्टेंस हो गई बी सी सी के दौरान। फिर करा ए से बी के दौरान कितना है, तो ए से बी के नीचे का एरिया निकाल लेंगे,
तो ए से बी के नीचे का एरिया ये हो जाएगा आपका, यदि इस एरिया को निकालेंगे तो ये ए से बी के नीचे का, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। तो अब यहां पर हम निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ए टू बी, तो इसका मतलब एरिया निकाल लें हम, एरिया ए टू बी, और एरिया ए टू बी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस हो गया आपका टी, और हाइट आपकी है वी नॉट, तो कितना आ गया वी नॉट टी बाई टू आ गया। तो आपने ए से बी के दौरान कितनी डिस्टेंस चली, वी नॉट टी बाई टू, और बी से सी के दौरान कितनी डिस्टेंस चली, वी नॉट टी चली। अब कंपेयर करें तो यदि आप डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये वी नॉट टी है और ये वी नॉट टी बाई टू है। तो इस तरह से यदि हम यहां ऊपर जो आपका स्पेस है यहां कर दें, कंपेयरिंग डिस्टेंस बी टू सी एंड ए टू बी, तो कैसे कंपेयर करेंगे, बी टू सी की डिस्टेंस कितनी है, वी नॉट टी है, और ए टू बी कितनी है, वी नॉट टी बाई टू है। तो इसको आप लिख दें डिस्टेंस बी टू सी अपॉन डिस्टेंस ए टू बी, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए वी नॉट टी कैंसिल हो जाएगा और टू आपको ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया कि डी ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी टू टाइम्स है डिस्टेंस ऑफ ए बी का, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए बी इधर ले जाए तो डिस्टेंस ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी को लिख सकते हैं आप टू इंटू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ये आपका कंपेरिजन हो गया, बी सी में चली गई डिस्टेंस और ए बी में चली गई डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, अब आप इसको नोट कर लें, फिर इसको रब करके हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को करते हैं, ओके। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं, ओके। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो। तो यदि आप इस ग्राफ को देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे जैसे टाइम यहां पर चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ए से बी के दौरान वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, और जो स्लोप है वो भी कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव स्लोप होता है तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है आपके एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का इस तरह पर इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही है, जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, यानी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है, और स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ए से बी के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। तो ये ए से बी का जो मोशन हो गया वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन हो गया। तो ए से बी आप लिख सकते हैं इस थर्ड पार्ट के लिए कि ड्यूरिंग ए टू बी स्लोप इज पॉजिटिव, या स्लोप इज कांस्टेंट लिख दें यहां पर, स्लोप इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। सो इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, कौन सा, ए से बी, क्योंकि यहां पर जो स्लोप है वो आपका कांस्टेंट है, और स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन होता है,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। फिर पार्ट करते हैं बात बी और सी की। तो बी और सी जो पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट जो बी पर है वही पॉइंट आगे है और वही पॉइंट सी पर, यानी वर्टिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वो वर्टिकल वैल्यू क्या है? वेलोसिटी। तो अलग अलग टाइम पर टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी यहां पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। तो ड्यूरिंग बी टू सी क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग बी टू सी स्लोप कितना है? स्लोप हो गया यहां पर जीरो और वेलोसिटी आपकी है कॉन्स्टेंट। स्लोप जीरो का मतलब ही है कि वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया बी टू सी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वाला पार्ट हो गया ए टू बी। ठीक है, अब बात करते हैं सी टू डी पार्ट की। सी टू डी आपका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहां पर जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव है और नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया जो यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, यानी एक्सेलेरेशन जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए सी टू डी जो आपका मोशन है वो भी स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन, यानी स्लोप तो हर जगह कॉन्स्टेंट है और लेकिन नेगेटिव का, यानी यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन लग रहा है लेकिन वो भी कॉन्स्टेंट है। तो ये मोशन आपका सी टू डी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। तो ड्यूरिंग सी टू डी नेगेटिव स्लोप शोज अपोजिट या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, या कहें रिटार्डेशन। और ये भी कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट है, नेगेटिव स्लोप है लेकिन वो स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। तो आपका रिटार्डेशन भी कैसा है? कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन हो गया आपका सी टू डी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट के तीनों आपने देख लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला पोर्शन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला पोर्शन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ, इसको आप नोट करें फिर मैं इसको रब कर दूं। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ द रिटार्डेशन? कह रहा है जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू जो एक्सेलरेशन की है, वो रिटार्डेशन से ज्यादा है या कम है? गिव ए रीजन, रीजन बताइए, और कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यूज को कंपेयर भी करिए। तो जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन बताता है। पॉजिटिव स्लोप है तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप देखने से ज्यादा आपको लग रहा है, ये ज्यादा लाइन इंक्लाइन है जबकि इसका इंक्लाइनेशन कम है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जो ज्यादा इंक्लाइन होगा यानी उसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ रिटार्डेशन की वैल्यू ज्यादा है और एक्सेलरेशन की वैल्यू रिटार्डेशन से कम है क्योंकि इसका स्लोप इसके स्लोप से कम है। ठीक, तो आपका रीजन तो हो गया ये कि क्योंकि आपका जो सीडी लाइन का जो स्लोप है वो एबी लाइन के स्लोप से ज्यादा है, इसलिए रिटार्डेशन एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। फिर उसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर का मतलब इसका स्लोप निकाल लें और इसका स्लोप निकाल लें और फिर हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम रब करते हैं फिर आगे हम कंपेयर करते हैं। अब हम फोर्थ पोर्शन को करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो यहां पर स्लोप गिव्स कहां का स्लोप? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, पॉजिटिव है स्लोप तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव स्लोप तो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो अब ए बी स्लोप की बात करें तो स्लोप ए बी की बात करें तो स्लोप तो पॉजिटिव है
क्योंकि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्लोप तो पॉजिटिव है कितना, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू है, जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो है आपकी वी नॉट, जीरो से वी नॉट है, तो परपेंडिकुलर लेंथ है वी नॉट, और बेस कितना है आपका, बेस है आपका टी, तो वी नॉट अपॉन इसको टी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप ए बी हो गया आपका वी नॉट अपॉन टी। अच्छा यही आपका स्लोप एक्सेलरेशन हो गया, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो गया वी नॉट बाई टी, इसको आप कहें तो फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। अब आप बात करें स्लोप सी डी की, स्लोप सी डी क्या बताएगा आपको, वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, लेकिन वो आपका नेगेटिव है स्लोप सी डी, तो नेगेटिव का मतलब हो गया आपको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बताएगा। तो यहां पर भी स्लोप निकालें कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, कैसे परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को आप आगे इंक्रीज करिए, तो ये आपका स्लोप इस एंगल से होता है, तो आप चाहे इस एंगल की बात करें और चाहे इस एंगल की बात करें, वैल्यू में तो ये दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल है, कौन से एंगल है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, तो आप चाहे इस स्लोप की बात करें और चाहे इस स्लोप की बात करें, बात एक ही है, ठीक। अब स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमको ट्राइंगल लेना होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस लाइन को लेकर एक ट्राइंगल आपका बन रहा है ये वाला, तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो उतना ही है जितना यहां था, यानी वी नॉट, तो परपेंडिकुलर के लिए लिख लिया वी नॉट अपॉन बेस, बेस इस ट्राइंगल का बेस कितना है, ये 2t है, ये 2.5t है, तो ये कितना बच गया, ये 0.5 बच गया, यानी ये जो डिस्टेंस है आपकी ये हो गई 0.5, क्योंकि 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो बीच का पोर्शन कितना आ जाएगा 0.5, तो बेस हो गया आपका 0.5t, और इसको 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2v/t, ये क्या आ गया, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया यानी रिटार्डेशन, और ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, तो आप देख पा रहे हैं जो एक्सेलरेशन था वो वी नॉट बाई टू टी है, जबकि जो रिटार्डेशन था वो 2v/t, यानी ट्वाइस है आपके एक्सेलरेशन से, तो आपके तीनों आंसर हो गए यहाँ पर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन दैट ऑफ रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन इज लोअर देन दैट ऑफ रिटार्डेशन, तो फर्स्ट ए आपका आंसर हो गया, एक्सेलरेशन इज लेस देन आपका रिटार्डेशन, ऐसे कह सकते हैं हमको, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, गिव ए रीजन, रीजन हो जाएगा स्लोप, स्लोप ए बी लेस है स्लोप सी डी से, ये रीजन हो गया आपका। फिर क्या कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लीजिए आपका निगेटिव एक्सेलरेशन अपॉन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव का मतलब रिटार्डेशन, निगेटिव कितना है 2v/t और पॉजिटिव कितना है v/t, तो v/t कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 आ गया, तो आपका कंपैरिजन क्या होगा कि निगेटिव एक्सेलरेशन 2 टाइम्स है आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब आप इसको नोट करें, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ ए बॉडी गिवन बिलो, ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्या निकालना है, द एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी, ए बी पार्ट का एक्सेलरेशन, बी सी पार्ट का एक्सेलरेशन, और फिर सी डी पार्ट का एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट, ए बी पार्ट में, बी सी पार्ट में और सी डी पार्ट में, और फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसमें भी आपका क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले आप ये ट्राइंगल निकालेंगे और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और अपॉन बेस कर देंगे, तो इसका स्लोप यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा।
बीसी लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, कोई स्लोप नहीं है। इसमें फिर से आपका निगेटिव स्लोप है, नीचे की ओर है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 30 हो गया, और बेस आपका हो गया 8 और 10 यानी 2, 10 माइनस 8 2, तो 30 अपॉन 2 आपका स्लोप हो गया 15। तो ये आपका रिटार्डेशन हो गया, यानी यहाँ का एक्सेलेरेशन हो गया, यहाँ का एक्सेलेरेशन यहाँ के परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, यहाँ का एक्सेलेरेशन यहाँ के परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से आप एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ए से बी का जो ये एरिया आ रहा है, यानी ये जो ट्राइंगल आपका इस तरफ का बन रहा है, ठीक है, तो इस तरफ का जो ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, ए बी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आपको ये देखिए, ये पोर्शन आपका बी टू सी के दौरान एक रेक्टेंगल बनेगा, ये आपको क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो रेक्टेंगल की लेंथ इनटू विथ का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ कितनी है 30, और विथ कितनी हो जाएगी 8 - 4 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका बी सी का एरिया आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर ऐसे ही सी डी का एरिया, यानी ट्राइंगल बन रहा है आपका, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, और फिर सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल मूव्स ऑन ए स्मूथ फ्लोर इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड तक वो इस वेलोसिटी से चल रही थी। एट 10 सेकेंड्स में बॉल हिट्स ए वॉल एंड कम बैक अलोंग द सेम लाइन इन द स्टार्टिंग पॉइंट विद सेम स्पीड। ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यूज इट टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कह रहा है कि जैसे सपोज ये कोई एक वॉल है, कि सपोज ये तो एक वॉल हो गई और ये स्मूथ सरफेस हो गया, और इस पर आपकी कोई ये बॉल है, और ये बॉल आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और 6 सेकेंड तक चलती है, और जब टाइम t इक्वल टू 6 होता है, यानी यहां पर टाइम क्या है, यहां पर तो टाइम 0 है, और फिर जब टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड होता है तो आपकी बॉल यहां पर कोलाइड कर जाती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है, और फिर हिट करने के बाद ये वापस यहां से आने लगती है उसी सेम स्पीड से, उसी सेम डायरेक्शन पे, उसी सेम लाइन पे। तो अब हमको इसको ग्राफ बनाना है। तो सपोज हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये तो हो गया हमारा टाइम, और ये हमको रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी। तो क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, और कब तक रहती है, 6 सेकेंड तक ये सामने जाती है और फिर वॉल से टकरा जाती है। तो पहले तो हम 6 सेकेंड तक का ग्राफ बनाए, तो यहां पर हम टाइम को 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, सपोज यहां पर आपको कहीं 6 ले लेते हैं, अब आपका 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, और फिर ये 5, और फिर ये 6 सेकेंड। तो ये बॉल यहां से t इक्वल 0 पर चलती है और t इक्वल 6 पर टकराती है यहां पर, तो 6 सेकेंड पर यहां पर टकराती है 10 मीटर पर सेकंड से। हिट करने के बाद इसको अपोजिट वेलोसिटी मिल जाती है और फिर ये उसी लाइन में चलती रहती है। तो ऑब्वियस बात है, जिस स्पीड से इसको यहां तक जाने में 6 सेकंड लगा है, यहां से हिट करने के बाद यदि उसी स्पीड से वापस आती है तो वापस आने में भी 6 सेकंड लगेगा। यानी स्टार्टिंग टाइम t इक्वल 0 पर था, कोलिजन टाइम t इज इक्वल टू 6 पे था, तो 6 के बाद वापस यहां कब आ जाएगी, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर ये वापस आ जाएगी, यानी वापस आने का टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड तक का ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा वापस आने तक का। तो फिर ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 11 सेकेंड, और फाइनली ये 12 सेकेंड हो गया आपका, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक ही डायरेक्शन में चलती है। कब तक चलती है, जब तक कि टाइम t इक्वल टू 6 पर ये इससे कोलाइड नहीं करती, कोलाइड करने के जस्ट बाद ये रिवर्स हो जाती है। तो कोलाइड कब कर रही है, 6 सेकंड पर कोलाइड कर रही है। तो सपोज जाते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, गिवन है 10 मीटर पर सेकंड है, वो यहां है, तो ये आपका 10 मीटर सेकंड हो गया। तो 0 पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड पर भी 10 मीटर पर सेकंड, 2 पर भी वेलोसिटी सेम है, 4 पर भी, 5 पर भी, और 6 सेकंड पर कोलाइड करती है। तो कोलाइड करने तक उसकी वेलोसिटी आपकी सेम रहती है, तो ग्राफ आपका ऐसा ही रहेगा।
तो टाइम टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, सेम डायरेक्शन में रहती है, तो आपका ग्राफ रहेगा ऐसे ही। फिर 6 सेकेंड पे क्या हो रहा है, जैसे ही 6 सेकेंड पे टकराएगी, टकराने की हिट करने से पहले तो सामने की ओर वेलोसिटी थी पहले की जैसी, जैसे ही कोलाइड करी इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, यानी अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए अभी ऊपर की ओर यदि पॉजिटिव मान रहे थे तो अब हमको ग्राफ इसका नीचे की ओर बनाना पड़ेगा इस तरीके से। अब यहां कहीं पर माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो गई, तो 6 सेकेंड पे हिट करने से जस्ट पहले वो इस तरफ की ओर थी, इधर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही कोलाइड करी वापस आने लगी -10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड यानी इस जगह से ग्राफ बनेगा और वापस आ जाती है कितनी देर में, 6 सेकेंड में ही वापस भी आ जाएगी। तो 12 सेकेंड में 0 से 6 सेकेंड तक यहां गई, फिर 6 से टकराई, फिर 7 सेकेंड, 8, 9, 10, 11, 12 तक वापस भी आ गई। तो अब 6 सेकेंड पे वेलोसिटी उसकी रिवर्स हो गई, अपोजिट हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई, और 12 सेकेंड तक वो वापस अपने पोजिशन पर आ जाती। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये 0 से 6 सेकेंड तक वेलोसिटी रहती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 6 से 12 सेकेंड तक वेलोसिटी रहती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको नेगेटिव डायरेक्शन में बना दिया है। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो गया। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये जो पॉइंट है 6 सेकेंड, ये पॉइंट एक एज वाला पॉइंट है जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट आगे और पीछे दो अपोजिट वैल्यूज हैं, अलग वैल्यूज हैं। 6 सेकेंड के जस्ट पहले वैल्यू प्लस की थी, आपका जो है कोलाइड कर रहा था, और 6 सेकेंड के जस्ट बाद वैल्यू आपकी नेगेटिव की आ रहा है। तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी हर सेकेंड पर वैल्यू उसकी सेम रहती है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में और फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए नीचे। तो ये तो ग्राफ हो गया। फिर कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल बताइए और डिस्टेंस टोटल बताइए। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नीचे का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। यानी यहां पर ये जो एरिया होगा, ये एरिया आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और आपका जो ये एरिया होगा, ये एरिया नीचे का है अपोजिट डायरेक्शन का है, ये अपोजिट डिस्प्लेसमेंट यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और दोनों एरिया निकालकर हम सम कर देंगे बिना डायरेक्शन के तो डिस्टेंस हो जाएगी, और डायरेक्शन के साथ सम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, कि एरिया बिलो द ग्राफ, बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ऊपर का जो ये ग्राफ होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा पहले हिट करने के पहले का डिस्प्लेसमेंट, और बाद में होगा आपका हिट करने के बाद का डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट बिफोर द हिट, डिस्प्लेसमेंट बिफोर हिटिंग द बॉल, बिफोर हिटिंग द वॉल, तो हो जाएगा आपका ये एरिया, ठीक है। ये एरिया कितना होगा, और एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विथ, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा। इसको नाम भी देना चाहें तो आप दे दें, इसको कह दें आप ए से बी, और ये कह दें आप सी से डी। तो एरिया ए से बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ कितनी है 0 से 6 तक 6, विथ कितनी है आपकी 10, तो 6 × 10 हो जाएगा। तो आपका 6 सेकेंड × 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 6 × 10 क्या आ गया 60 मीटर। तो ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि आपको इस तरफ जा रहे हो, तो यानी ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली है, और इसीलिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पॉजिटिव ली है और डिस्प्लेसमेंट भी हमने पॉजिटिव लिया, तभी हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव की तरफ बनाया है जब आपकी बॉल इधर जा रही थी। जब बॉल इधर आ रही थी तो वेलोसिटी हमने निगेटिव डायरेक्शन में बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। फिर हम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हिटिंग कर देंगे यानी सीडी,
तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हिटिंग, आफ्टर हिटिंग क्या हो जाएगा, एरिया सीडी। अब सीडी एरिया कितना होगा, वेलोसिटी तो सेम उतनी है, बस वैल्यू निगेटिव की हो गई है, यानी 10 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस यानी लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी 6 से 12 यानी 6 सेकंड है, तो लेंथ आपकी फिर से 6 सेकंड हो गई और विथ आपकी फिर से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ये आपकी विथ हो गई 10 मीटर पर सेकंड और ये आपकी लेंथ हो गई, तो फिर से आपका कितना आ जाएगा, फिर से आपका 6 × 10 यानी 60 मीटर आ जाएगा। बस अब ये हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जाते समय पॉजिटिव वापस आते समय निगेटिव। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जाते समय का 60 और प्लस आते समय का निगेटिव का 60 लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0 मीटर। ठीक है, जाते समय का आपने लिया पॉजिटिव, आते समय का निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना होता है, इसीलिए आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, जहां से आप चले थे वहीं पर आप वापस हो गए, यानी आपकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बात आती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, तो डिस्टेंस में ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप सेम लाइन पे चल रहे हैं तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट है और वही आपका डिस्टेंस है, यानी यही डिस्प्लेसमेंट हुआ यही डिस्टेंस हुआ। जब वापस आ रहे हैं आपकी डायरेक्शन जब तक सेम है तो वही डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो जाते समय डिस्टेंस ये हुआ, आते समय डिस्टेंस ये हुआ, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए दोनों ही डिस्टेंस जुड़ जाएंगी, 60 और 60 कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा 60 मीटर जाने का और 60 मीटर आने का, यानी 120 मीटर। तो डिस्टेंस टोटल हो जाएगी 120 मीटर और डिस्प्लेसमेंट टोटल हो जाएगा 0 मीटर, और इस तरह से ग्राफ आपका बन जाएगा। तो ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन आपका और बताएं उसको और कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th आपका, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो आप देखिए 0 से लेकर 4 सेकेंड तक तो आपका स्लोप है, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, तो आप यहां पर ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए 0 से 4 सेकेंड तक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहां पर आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आपका 0 से 4 सेकेंड तक आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, पॉजिटिव का स्लोप बना है। फिर 4 से 6 सेकेंड तक नेगेटिव का स्लोप है, यानी डी एक्सेलरेटेड यानी रिटार्डेड मोशन है, तो आप यहां से लिख सकते हैं 4 से 6 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड तक आपका नेगेटिव का एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, 4 से 6 सेकेंड तक। फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी जब टाइम 6 सेकेंड हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने चला। तो 6 सेकेंड तक का जो ग्राफ होगा, स्टार्टिंग से 6 सेकेंड तक का जो ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो एरिया आप यहां पर निकाल सकते हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ ट्राइंगल बन रहा है और एक आपका ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है। तो इस सेकेंड पार्ट को करें तो एरिया बिलो द ग्राफ आपको क्या बताएगा, एरिया बिलो द ग्राफ आपको बताएगा
डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 1/2, दो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का क्या एरिया हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है आपका 4 और हाइट कितनी है 2, तो बेस तो हो गया 0 से 4 और हाइट हो गई आपकी 2, तो 1/2 4 इंटू 2 प्लस दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है देखिए 4 × 6 यानी केवल 2 मीटर है और हाइट तो उतनी है यानी 2, तो 2 इंटू 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 4 + 2 = 6 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एट t = 6 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से दो ट्राइंगल के अलग अलग एरिया निकाल लिया। आप चाहें तो एक ही ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, आप उस तरह से भी ट्राइंगल का एक बार में ही इस पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड क्या हो गया, डज द पार्टिकल चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए वेलोसिटी ऊपर की ओर है कंटिन्यूअस, हर टाइम पर कोई भी टाइम हो, या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी का जो जितना भी ग्राफ है आपका वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब अभी आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसलिए डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आंसर होगा नो, सिंस ग्राफ इज ऑलवेज इन, सिंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज एट वन साइड, सो नो चेंज इन डायरेक्शन, सो नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक, यही ग्राफ यदि नीचे आ जाता पॉजिटिव के नीचे, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये ग्राफ बता रहा है कि एक्स वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, रिटार्डेशन लग रहा है। तो आपका थर्ड का आंसर हो गया कि नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। फिर कह रहा है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 एंड 4 to 6। 0 to 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली और 4 to 6 में, 0 to 4 में तो ये चली है तो वो कितनी आ रही है 4, और 4 to 6 का एरिया निकाला था तो वो ये चली थी, वो कितनी आ रही है 2, यानी 4 और 2 का वैल्यू का डिफरेंस है, यहां पर डिस्टेंस चली है 4 और यहां पर चली है 2, टोटल चली है 6, तो ये आपका कंपेयर कर देंगे आप, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड, ये आपने चली है 4 और डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड तक आपने कितनी चली है, 4 to 6, 4 to 6 चली है आपने 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया था ये ट्राइंगल था आपके, इस तरफ का एरिया निकाल रहा था इधर का डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट देखिए 4 आया था, और इधर का जो ट्राइंगल है इसका एरिया ये निकाला था, वो डिस्प्लेसमेंट 2 आया था, तो 0 to 4 तक का डिस्प्लेसमेंट 4 है और 4 to 6 तक का डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो रेशियो कितना हो गया, 4/2 यानी 2:1 का। अब आपका फिफ्थ आंसर है, फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 4 एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6। 0 to 4 में जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है यानी एक्सेलरेशन है, 4 to 6 में जो स्लोप है वो निगेटिव है यानी अपोजिट डायरेक्शन का है यानी रिटार्डेशन है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको हम रब कर दें और इसके आगे हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट को कर देते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, तो अब फिफ्थ पार्ट को करेंगे तो यहां का स्लोप निकालेंगे और यहां का स्लोप निकालेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप है और ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपका निगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप यानी एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्सेलरेशन कहां से कहां तक है, 0 to 4 सेकेंड तक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है देखिए, इस आपका लाइन का 0 to 4 सेकेंड तक ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि स्लोप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का बना करके ही लेते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया
तो आपका वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन बेस हो गया 4 सेकेंड, तो ये आ गया आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया 0 to 4 का। ठीक है, अब निगेटिव स्लोप ले लेते हैं, तो निगेटिव स्लोप का मतलब हो गया रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना है आपका वो देख लेते हैं, रिटार्डेशन भी स्लोप है, तो स्लोप का मतलब निगेटिव स्लोप यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है 4 to 6, वो भी 2 हो गया, 2 का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू भी आपकी हो गई 2 सेकेंड, तो आपका रिटार्डेशन है परपेंडिकुलर यानी 2 मीटर पर सेकेंड और बेस यानी 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो रिटार्डेशन आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहां हुआ था सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन हो गया इसका, और यहां पर हो गया आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ्स के बहुत से क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आपकी जो काइनेटिक इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।